आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हेल्दी प्रोटीन रिच फाइबर रिच आयरन रिच नाश्ते की रेसिपी बता रही हूँ। जितना भी आपको न्यूट्रिएंट्स विटामिन मिनरल्स प्रोटीन की जरूरत है वो सारा आपको इस नाश्ते के प्लेट से मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या है चलिए मैं दिखा देती हूँ। और अंडों को कैसे बॉईल करना है, इनकी क्या ट्रिक्स हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा अंडा तैयार हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि छीलते वक्त अंडा जो है उसका छिलका टूटने लगता है और कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत चिपका रह जाता है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए और अच्छे तरीके से छिलका उतर जाए तो मैं वो टिप्स आपको देती हूँ। तो चलिए इसको हम तैयार कर लेते। तो सबसे पहले मैंने अंडे ले लिए हैं। मैं आपको दो तीन टिप बताऊंगी जिससे पता चल जाए कि अंडे फ्रेश है कि नहीं है। तो सबसे पहले टिप यह है कि मैंने अंडे ले लिए हैं, एक बोल में पानी ले लिया है, इसको हम नीचे डालेंगे। नॉर्मल पानी मैंने लिया है और अगर ये उठ के ऊपर आ जाते हैं इसका मतलब ये फ्रेश नहीं है। अगर ये नीचे ही रहते हैं इसका मतलब कि ये फ्रेश है। तो देखिए नीचे है, ऊपर उठकर नहीं आए हैं। ये उठ के अगर किनारे में आ जाए, देखिए हल्का से उठ के किनारे पे तो आ गया है लेकिन बिल्कुल ऊपर नहीं आया। अगर बिल्कुल ऊपर आ गया है इसका मतलब वो पुराने हो चुके हैं, उनको हटा दीजिए। लेकिन अगर उठ के इस तरह से हल्के से इधर किनारे पे आ जा रहे हैं, अगर मैं कोई और डालती हूँ तो इधर किनारे पे आ जाए इसका मतलब ये कम फ्रेश है लेकिन यूज़ करने लायक है। तो इस तरह से देखिए तीनों भी फ्रेश ही हैं, लगभग चारों फ्रेश हैं लेकिन ये हल्का सा उठा हुआ है। मैं घुमा देती हूँ तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा, हल्का सा उठा हुआ लग रहा है मुझे ये, लेकिन फिर भी खाने लायक है, फ्रेश है। तो हम पांचों को इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको अब दूसरी टिप बताती हूँ। अंडों को इस तरह से रखा है, जो पॉइंटेड टिप है उसको नीचे की तरफ रखा जाता है और जो ज़्यादा गोल है उसको ऊपर रखा जाता है। आमतौर पर क्या होता है हम लोग इस तरह से रखते हैं, जो चौड़ा बेस है नहीं, जो पतला बेस है जो पॉइंटेड है उसको हमको नीचे रखना है। तीसरा पॉइंट आप इससे पता लगा सकते हैं तोड़ने के बाद कि अगर अंडे की जर्दी फैल जा रही है इसका मतलब वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन बिल्कुल इंटैक्ट वैसे ही जाके गोल सेट हो गई है इसका मतलब वो फ्रेश है। तो ये दो तीन टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इससे पता चल जाएगा। मैंने पानी रख दिया है, इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देते हैं, 1 टीस्पून मैंने डाला है। अब देखिए हल्का हल्का पानी गर्म हो चुका है, आपको बॉयल्स आ रहे हैं दिख रहे हैं, ये मैंने इसलिए डाला है सिरका ताकि जब अंडे जो है अच्छे से जब हम तोड़ने चलते हैं छीलने जाएंगे तो आराम से छिल जाएंगे। और जो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अंडे डालते हैं तो फूटने लगते हैं और जो जर्दी होती है वो बाहर निकल आती है कभी कभी उबालते वक्त, तो इसलिए हमने इसमें सिरका डाला और इसलिए भी गर्म पानी लिया है ताकि अंडे जो है आसानी से छिल जाएं और डालते वक्त कभी कभी जो फट जाते हैं वैदी बाहर निकल आती है वो ना। पानी हल्का सा आप देख सकते हैं गर्म हो गया, मैंने इस तरह से एक एक करके मैं डालूंगी गर्म पानी में, तो इमीडिएटली जाके क्या होगा कि जो हमारा जो जर्दी है एकदम से सेट हो जाती है। आपने फेंकना नहीं है, चम्मच की मदद से नीचे ले जाके रखना है बस। अब जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि अंडे जो अगर आपको हाफ बॉईल करने हैं तो वो 6 मिनट में हो जाता है और अगर आपको फुल बॉईल करने हैं हार्ड बॉईल तो वो 12 मिनट लगता है। तो इस अंदाजे से आप अंडों को उबाल सकते हैं। तो मैं फुल बॉईल उबालूंगी तो उसको 12 मिनट लगेंगे, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अंडे उबल चुके हैं, 12 मिनट हो गए हैं। अब मैंने एक नॉर्मल पानी ले लिया एक बोल में, इसमें से निकाल के मैं इसमें डाल दूंगी तो कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और अंडे आगे उबलेंगे नहीं और ज़्यादा हार्ड नहीं होगा और छीलने भी आसानी रहेगी क्योंकि हल्का सा ठंडा हो जाएगा, इसलिए भी हम पानी में डाल रहे हैं। तो मैंने अंडा ले लिया है, अब क्या करेंगे कि किचन स्लैब पे हल्का सा दबाते हुए इसको हल्का हल्का इसका जो है अलग हो गया है इस तरह से चारों तरफ से, कितनी आसानी से ये निकल गया है देखिए, सिर्फ 2 हिस्सों में अच्छे से निकल कर आ गया है, टोटल 2 हिस्से। तो इस तरह से आप करेंगे तो अंडे आपके इस तरह से नहीं होंगे जैसे कि इस तरह से हुए हैं, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े नहीं रहेंगे। कभी कभी क्या होता है इसके छिलका लगा रह जाता है तो वो नहीं होगा अगर आप इस तरह से करेंगे। मैंने पहले थोड़ा गर्म था तो मैंने एक छील दिया तो इस तरह से हुआ, हल्का सा ठंडा होने देंगे तो इस तरह से निकल आएगा। यही टेक्निक आप अपनाइएगा, मैं दोबारा से एक बार आपको और करके दिखा देती हूँ। हल्का सा दबाते हुए सारे हम इस तरह छील लेते हैं और बाकी जो नाश्ते की क्या चीजें मैंने इकट्ठी की है मैं आपको दिखा देती हूँ। अंडों को हम सिंपली अब काट लेंगे, हल्का सा नमक छिड़क देंगे, काली मिर्च या आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं, मैं तो ये काली मिर्च और नमक हल्का सा डाल लेती हूँ। अंडे तैयार हो चुके हैं, वह 5 से 6 बादाम हो गए, 5 से 6 आप पिस्ता ले लीजिए, 1 टेबलस्पून मैंने ये सीड्स ली हैं जिसमें सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड और सेसमी सीड है। इसको आप ऐसे ही खा लीजिएगा और साथ में दूध आप पी लीजिएगा, इसको चबा चबा के ऐसे ही खाया जाता है। इन सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई इन सब में विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स,
सारे जितने हमें ज़रूरत है ना वो सारे एक साथ आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल आपका कंप्लीट नाश्ता हो जाएगा। अंडा जो है एक कंप्लीट फूड समझा जाता है, इसमें हर चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट से लेके प्रोटीन विटामिन्स मिनरल्स जितने भी हमको चाहिए इसमें है, इसलिए इसको एक कंप्लीट फूड भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि ये येलो हटा के खाना चाहिए, नहीं, अगर आप येलो हटा देंगे तो आपके बहुत सारे विटामिन्स मिनरल जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसमें से निकल जाएंगी। तो आप पूरा खाएं, चाहे बेशक एक ही खाएं दो खाएं, लेकिन येलो के साथ खाएं। हाँ, जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सिर्फ वाइट खाइए, लेकिन येलो में भी प्रोटीन होता है। ये एक मिथ है कि येलो में प्रोटीन नहीं होता है, येलो में भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपको साथ में ले लेने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट फूड मिल जाए एक ही चीज़ में, आपको अंडे से पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। जो बाकी चीज़ें हैं, मैंने एक ब्रेड का पीस ले लिया है, इसमें हम पीनट बटर लगाएंगे। पीनट्स बटर में भी, क्योंकि पीनट से बनता है, ये भी एक तरह का नट है, तो इसमें भी आपको काफ़ी प्रोटीन और बाकी जो मिनरल्स हैं विटामिन हैं आपको मिलेंगे। तो इसलिए मैं पीनट बटर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ये हेल्दी नाश्ता है, प्रोटीन रिच और आयरन रिच और फाइबर रिच हमारा नाश्ता है। तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसमें बताई हैं, जो आप एक साथ लें नाश्ते में तो आपका कंप्लीट और हेल्दी और न्यूट्रिएंट फुल आपका नाश्ता हो जाएगा। और ये हमने एक ग्लास दूध ले लिया है, तो कंप्लीट नाश्ता हो गया है। तो आप देखिए हमारा बढ़िया सा हेल्दी प्रोटीन रिच मिनरल्स एंड विटामिन रिच नाश्ता तैयार हो गया। सारी चीज़ें एक साथ आप बना के बच्चों को या घर वालों को देंगे, एडल्ट्स को देंगे, तो कंप्लीट नाश्ता, हेल्दी नाश्ता आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल नाश्ता इसमें क्या है, इसमें क्या खास है, कभी कभी हमको बहुत सी चीज़ें मालूम नहीं होती हैं, सारा इकट्ठा करके मैं आपको क्यों बता रही हूँ। बहुत नॉर्मल सा नाश्ता है ये, अंडे आप लोग खाते ही होंगे, दूध पीते ही होंगे, लेकिन सारा मिला के जो कम्बाइंड नाश्ता बन रहा है तो ये हेल्दी नाश्ता हो जाता है। जो कि आपको ये कोई रेसिपी नहीं है, बस आपको मैंने इकट्ठा करके सारी चीज़ों को बताया है कि कितना हेल्दी ये नाश्ता है। ये सारी चीज़ें मैंने वो चुनी हैं जिनमें प्रोटीन है, नट्स जितने भी होते हैं उनमें प्रोटीन होता है, अंडा एक कंप्लीट फूड कहा जाता है और दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है, बाकी विटामिन्स मिनरल्स और भी जो चीज़ें होती हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी इन सब चीज़ों के क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आप नीचे पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पूरा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप नीचे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ। और मैं बता दूं कि मैंने इसको कैसे बनाना है, कैसे खाना है, इसके क्या क्या यूजेज हैं, इसका मैंने एक वीडियो डाला हुआ है मल्टी सीड मिक्स, जो मेरे चैनल पर है, आप देख लीजिएगा इसको। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है, लाइक्स का इंतजार रहता है। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शैला।